इस वक्त हम मौजूद हैं कल्याणपुर के वार्ड 19 में और यहाँ की एक प्रत्याशी हैं सावित्री गौतम जी। आइए उनसे जानते हैं किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच में जा रही हैं, क्या मुद्दे लेकर जनता के बीच जा रही वोट मांगने। मुद्दे लेके जा रहे हैं, हमारे यहाँ साफ सफाई नहीं होती है और सड़कें हैं नहीं बनी हुई है और मच्छर बहुत लगते हैं। किस तरह का समर्थन मिल रहा है आपको जनता की तरफ से? समर्थन बहुत अच्छा मिल रहा है। लोग क्या कह रहे हैं आपको, क्यों वोट दें आपको, अब क्या काम करवाएंगे पार्षद जीतने के बाद? लोग समर्थन अच्छा कर रहे हैं, वो कह रहे मतलब जीतने के लिए बाद जो काम नहीं हुआ है व अधूरा पड़ा है वो सब काम कराएंगे, जैसे कि कूड़ा है, नालियां है, साफ नहीं होती है, वो सब काम करवाएंगे जो अधूरे छूटे हुए हैं। अपने वार्ड की जनता से क्या कहना चाहेंगी आप? जनता हमारा सपोर्ट करेगी, हम उनका सपोर्ट करेंगे, हम अच्छे से विकास कराएंगे, जो चीज़ नहीं है जैसे बिजली के खंभे हैं, लाइटें हैं, वो सब लगवाएंगे, विकास करवाएंगे। आप पार्षद पति हैं तो जनता जीतने के बाद जनता को क्या क्या सुविधाएं जो आप प्रोवाइड कराएंगे? जनता को सारी वही सुविधाएं जो उनके पास नहीं पहुंच पा रही हैं और बाकी स्वास्थ्य के लिए बाकी खरंजे बिजली जिस तरह से समस्याएं आ रही हैं उसी नालियों की वजह से हर जगह शिकायतें मिल रही हैं, उन्हीं शिकायतों को हम अपनी तरफ से ध्यान देते हुए कार्य कर रहे हैं और उसी इसीलिए जनता हमें सबसे अधिक समर्थन कर रही है। भैया पर्चे, भैया हमारा नाम परमात्मा राम तिवारी है, खोल लो। वार्ड 19 के एक वोटर से भी जानते हैं कि यहाँ की क्या क्या समस्याएं हैं। इस समय वो सावित्री गौतम जी को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या समस्याएं हैं यहाँ की वो बताएंगे। हाँ, हमारा नाम परमात्मा राम तिवारी है और हम मानव एकता एसोसिएशन के राष्ट्रीय सलाहकार हैं। राजू गौतम जी के द्वारा समाज में दसियों साल से काम किए जा रहे हैं, पहले से भी किए जा रहे हैं, अभी तो ये सवा सदी में अभी उतरे हैं। इन्होंने 2065 कन्याओं के विवाह में, निर्धन कन्याओं के विवाह में योगदान किया है। इन्होंने 300 लोगों को, जिस समय कोरोना काल चला था, 300 लोगों को चंदा मांग के अपना स्वयं कर्ज ले के इन्होंने लोगों को भोजन उपलब्ध कराया है। तो ऐसे लोगों को हम चाहते हैं कि समाज में आएँ, वो आगे बढ़ें, ये लोग जीत के ऊपर जाएं, तब हमारे समाज का अच्छा निर्माण होगा। अन्य पार्टियों के भी लोग खड़े हैं लेकिन ये एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं, किस तरह समर्थन मिल रहा है जनता का इनको? अरे इनको बहुत पूर्ण समर्थन, हम लोग चल चल के आ रहे हैं इनके पास, इनको जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है।